औरैया के 3 मंजिला इमारत के दूसरे एवं तीसरे माले पर आग लग गई। जानकारी सदर कोतवाली पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का रखा सामान जलकर खाक हो गया। वही घर में ही रस्सी, झाड़ू एवं अन्य गृहस्थी के सामान का गोदाम था, उसी के ऊपर रहते थे गृह स्वामी का परिवार। परिवार ने आग लगी देख बचाई अपनी जान। वही औरैया सदर के फूलमती मंदिर के पास की है घटना। औरैया में उस समय हड़कंप मच गया जब अनूप गुप्ता के 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। अनूप गुप्ता घर में ही रस्सी, डलिया, झाड़ू एवं अन्य सामान का गोदाम बनाए हुए थे। वही शॉर्ट सर्किट होने के कारण दूसरी एवं तीसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। किसी तरह अनूप गुप्ता ने अपने परिवार के साथ बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस पूरी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को दी गई। तत्काल घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। बता दें कि फायर ब्रिगेड को जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा फायर ब्रिगेड कर्मियों के द्वारा आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। क्या नाम भाई? आलोक जी, ये आग लगी आपके यहाँ कैसे लगी है? किस चीज की गोदाम थी आपकी? ये कितना सामान होगा? 7-8 लाख का। घर में कौन कौन था? हम थे, मेरी पत्नी थी, बच्चा था। क्या माले पे आग लगी हुई है? लगी है दूसरे और तीसरे पे। क्या क्या सामान जला हुआ है? और गृहस्थी का सामान, टीवी, फ्रिज वगैरह। इसमें क्या स्थिति है, क्या कहना चाहिए? आग लगने की सूचना लगभग 12:25 पे हमको मिली थी। तत्काल 2 फायर टेंडर लेके और एक छोटी गाड़ी, क्योंकि तो बड़ा कंजस्टेड था, तो 3 गाड़ियों के साथ तुरंत आए। मौके पर आके आग बुझाना प्रारंभ किया। पानी खत्म हुआ तो कंटिन्यूसली पानी नगर पालिका से और फायर स्टेशन से भर भर के लाए। उसके बाद में आवश्यकता को देखते हुए एक और फायर टेंडर, कुल मिला के 3 बड़े फायर टेंडर, एक वाटर मिस्ट, हाई प्रेशर लगा के आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। ये प्रदीप गुप्ता हैं जिनका घर है और मोहल्ला फूलवती मंदिर के पास ये है परिहार टोला। तो इसमें आग पूर्ण रूप से बुझ गई, कोई जनहानि नहीं है। बाकी अभी और वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अगर कहीं कोई इस तरह का मिलता है तो उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया जाएगा। क्या सर, किसी चीज़ की इसमें गोदाम भी थी? या इसमें झाड़ू और रस्से, कोई इस तरह का गोदाम था जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, घर में काम आने वाली चीज़ें, उसका भंडारण था। उसी में भी रहते भी थे एक फ्लोर के ऊपर। फिलहाल सब सुरक्षित है, बच गया।